हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन और व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। NLP ट्रेनर और कोच भी हूँ। काफ़ी लोग मेरे पास में आते हैं कि उनको निगेटिव थिंकिंग काफ़ी बार बार आते रहता है दिमाग में। बहुत बार निगेटिव थिंकिंग आता है, नकारात्मक सोच इतनी आती रहती है और हर बात में वो नकारात्मक ही सोचते रहते हैं। मतलब कोई घर में लेट नहीं, कोई घर में टाइम पे नहीं आया तो लेट क्यों आया, एक्सीडेंट हुआ होगा क्या, या क्या हो गया, तबीयत खराब हो गई क्या, अटैक आ गया क्या, मर गया क्या, मतलब ऐसा कुछ भी उनको कोई काम करना है तो पहले वो नकारात्मक ही बोलेंगे कि नहीं ये होगा नहीं, ये संभव नहीं, ये ऐसा होता नहीं, और उनकी वो आदत सी बनी हुई है। उनको यदि छुटकारा पाना है इससे तो पॉजिटिव थिंकिंग एंड सम्मोहन, ये आप आज मैं आपको बताता हूँ वो उसका यदि इस्तेमाल करते हैं। सम्मोहन का इस्तेमाल नकारात्मक सोच निकालने के लिए और पॉजिटिव थिंकिंग डालने के लिए तो फायदा हो जाएगा। तो हम देखते हैं आज पॉजिटिव थिंकिंग एंड हिप्नोसिस, सम्मोहन का नकारात्मक सोच के ऊपर बदलाव लाने की प्रतिक्रिया या प्रक्रिया। तो मैं आपको बार बार ये बोलूँगा कि भाई रिलैक्स करो, तो रिलैक्स इसका मतलब शिथिल करना, ढीला करना, पूरा शरीर ढीला करने का है। मैं आपको बार बार बोलूँगा स्लीप इसका मतलब सो रहे ऐसी कल्पना करना है, और मैं बार बार बोलूँगा डीप इसका मतलब आप गहरी गहरी गुफा में अंदर अंदर जा रहे हैं, आंखों के सामने अंधेरा 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 आ रहा है। तो रिलैक्स इसका मतलब पूरा शरीर ढीला करना, स्लीप इसका मतलब अपन सो रहे ऐसी कल्पना करना, और डीप मतलब आप गहरी गुफा में अंदर जा रहे ऐसी कल्पना करना है। ठीक है, फिर मैं आपको प्रक्रिया करवाऊंगा सम्मोहन की, और उसके बाद में फिर आपको सूचना दूंगा। सम्मोहन में होता क्या है कि कॉन्शियस माइंड सो जाता है, ऑल्टर हो जाता है कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियस माइंड ऊपर आता है और सबकॉन्शियस माइंड सूचनाएं लेने के लिए रिसेप्टिव हो जाता है। अचेतन मन को सूचनाएं फटाफट मिल जाती है। एक बार अचेतन मन में मतलब सबकॉन्शियस माइंड में सजेशंस अंदर घुस गए, फिर उसका जो परिणाम है वो अपने व्यवहार के ऊपर दिखता है। तो ये टेक्निक से हम सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर असर करेंगे, उसको सजेशन देंगे, उसको सूचनाएं देंगे, ताकि आपका पूरा व्यवहार अच्छा हो जाएगा और नकारात्मक सोच निकल जाएगी। तो हम चालू करते हैं, आंखें बंद करो, रिलैक्स। जहाँ भी आप बैठे हो वहाँ एकदम शांति की जगह होना चाहिए, घर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। पूरा बदन रिलैक्स करो, पूरा बदन रिलैक्स 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 करो, पूरा ख्याल मेरी आवाज़ की तरफ दो, दूसरी कोई भी आवाज़ सुनने की नहीं, दूसरी कोई भी आवाज़ की तरफ ध्यान देने का नहीं, पूरा बदन रिलैक्स 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 करो। पैरों के अंगूठे रिलैक्स करो, अंगूठे रिलैक्स, पैरों के पंजे रिलैक्स करो, पंजे रिलैक्स हो गए, पैरों के तलवे रिलैक्स करो, तलवे रिलैक्स हो गए, घुटने रिलैक्स करो, घुटने रिलैक्स हो गए, दोनों पैर रिलैक्स करो, दोनों पैर रिलैक्स हो गए, पेट रिलैक्स करो, पेट रिलैक्स हो गया। कमर रिलैक्स करो, कमर रिलैक्स हो गई, पीठ रिलैक्स करो, पीठ रिलैक्स हो गई, सीना रिलैक्स करो, सीना रिलैक्स हो गया, कंधे रिलैक्स करो, कंधे रिलैक्स हो गए, दोनों हाथ रिलैक्स करो, दोनों हाथ रिलैक्स हो गए, गर्दन रिलैक्स करो, गर्दन रिलैक्स हो गई,
जबड़ा रिलैक्स करो, जबड़ा रिलैक्स हो गया, गाल रिलैक्स करो, गाल रिलैक्स हो गए, आंखें रिलैक्स करो, आंखों की पलकें रिलैक्स करो, आंखें रिलैक्स हो गई, माथा रिलैक्स करो, माथा रिलैक्स हो गया, पूरा सिर रिलैक्स करो, पूरा सिर रिलैक्स हो गया, सिर रिलैक्स, माथा रिलैक्स, पूरा चेहरा रिलैक्स, पूरा बदन रिलैक्स, एंड नाउ स्लीप, 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 डीप, आप गहरी गहरी सम्मोहन अवस्था में जा रहे हो, डीप 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 जा रहे हो, आंखों के सामने अंधेरा 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 छा गया है। मैं भी एक से दस तक गिनती करूंगा, जैसी जैसी गिनती बढ़ते जाएंगी वैसी वैसी आपकी सम्मोहन अवस्था और गहरी गहरी होती जाएंगी और आप डीप 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 सम्मोहन अवस्था में चले जाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, गो डीपर एंड डीपर, सात, आठ, नौ, दस, एंड नाउ स्लीप, 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 डीप। मैं अभी आपको कुछ सूचनाएं देने जा रहा हूं। मैं आपको शब्द बोलूंगा, शब्द से, भाषा से आपको सूचना दूंगा, मगर आपने कल्पना करनी है, आपने विजुअलाइज करना है। जो भी मैं बोल रहा हूं आपने अपने आप को उसमें देखना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड अभी सूचनाएं लेने के लिए तैयार हो गया है। रोज रात को आपको गहरी गहरी नींद आते जाएंगी और सुबह उठने के बाद में आपको बहुत ही फ्रेश फ्रेश लगेगा, अच्छा लगेगा, उत्साहित लगेगा और बहुत ही खुशी लगेगी। रोज रात को आपको गहरी गहरी नींद आते जाएंगी, सुबह उठने के बाद में आपको बहुत ही फ्रेश लगेगा, बहुत ही उत्साहित, खुश, एंथुजियास्टिक और बहुत ही खुश और आनंदी आप दिखेंगे, बहुत मजा आएगा। दिन भर आप बहुत ही एंथुजियास्टिक और एनर्जेटिक रहने वाले हैं। आप कल्पना करो कि दिन निकला हुआ है और आप बहुत ही खुश, बहुत ही उत्साहित, मजा करने वाले, चेहरे के ऊपर आपको बहुत ही हंसी आ रही है, चेहरा भी आपका खुल गया है, मजा आ रही है, ऐसा आपका दिन जा रहा है, सब काम आप फटाफट कर रहे हो। कल्पना करना है आपने, आपको निगेटिव थॉट्स बीच बीच में आते रहते हैं, निगेटिव थॉट्स जरूर आएंगे, उसको रोकने का नहीं, उसको आने दो, मगर उसको महत्व देने का नहीं है, उसको इम्पोर्टेंस देने का नहीं है, उसको सिग्निफिकेंस देने का नहीं है, महत्व देने का नहीं है, वो आएंगे और जाएंगे,
निगेटिव थिंकिंग आएगी, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। निगेटिव थिंकिंग आ रही तभी भी आप अपने आप को बहुत ही उत्साहित कर रहे हो, बहुत खुश कर रहे हो अपने आप, बहुत ही एनर्जेटिक शक्तिशाली कर रहे हो, पावरफुल कर रहे हो, मजा आ रही है। रोज रात को गहरी गहरी नींद आती रही है, रोज रात को गहरी गहरी नींद आपको आएंगी और आप बहुत ही उत्साहित खुश एंथुजियास्टिक एनर्जेटिक रहेंगे, दिन में मजा आएगा। आपके मन में हर रोज सकारात्मक विचार आ रहे हैं, कोई भी काम करने के समय वो काम जरूर होगा ऐसा आप सोचते हो और वो काम करना चालू करते हो। कोई भी काम करने के पहले, कोई भी काम शुरू करने के पहले आप सोच रहे हो कि वो काम जरूर होगा, पक्का होगा, उसको उसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूँगा, ऐसा सोच के आप काम करना चालू कर देते हो। निगेटिव थॉट्स कितने भी आए, नकारात्मक सोच कितनी भी आई, तभी उसको आप नज़रअंदाज कर देते हो, बाजी में रखते हो और सकारात्मक सोच को उसको खाद देते हो, सकारात्मक सोच बढ़ाते हो, जानबूझ के सकारात्मक सोच बढ़ा रहे हो। मजा आ रही है, वंडरफुल। आप सकारात्मक सोच करो, कोई भी काम करने के पहले आपको सोच आएंगी सकारात्मक ये होगा ही, तभी आपने कल्पना करने की आप काम करना चालू कर रहे हो और आप सकारात्मक सोच करके काम करना चालू कर रहे हैं। पूरा विजुअलाइज करो, अपने आप को उसमें देखो, क्लियर कट देखो, आपके साथ में कौन लोग हैं उनको देखो, उन्होंने कौन सा ड्रेस पहना है, आपने कौन सा ड्रेस पहना है वो देखो, वो क्या बोल रहे हैं वो सुनो, आप क्या बोल रहे हैं वो सुनो, आपको कैसा फील हो रहा है वो फील करो। अभी बहुत ही मजा आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बेस्ट, वंडरफुल। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी आपको एक मैं कल्पना करने के लिए बोल रहा हूं कि आप एक बलून में बैठे हैं, गुब्बारे में, बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में है, बहुत अच्छा लग रहा है, खुश मिजाज है, बहुत ही कंफर्टेबल, रिलैक्स, एंथुजियास्टिक, और बलून के बाहर और एक महेश खड़ा है, वो भी बहुत उत्साहित है, खुश है, एनर्जेटिक है, वो जैसा आपको चाहिए वैसा है, जो आप सोचते हो वैसा है, एकदम आइडियल, आपका आइडॉल। वो बाहर खड़ा है और वो खिड़की में से, बलून की खिड़की में से भी अंदर आने वाला है, उसने खिड़की खोली और खिड़की में से जम करके वो अंदर आ गया और आपके बॉडी में वो अंदर घुस रहा है, प्रवेश कर रहा है, ऐसी कल्पना करो। वो महेश की जो एकदम उत्साहित है, बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ताकत उसमें आई हुई है, बहुत खुश है, निगेटिव थॉट्स का तो नामो निशान नहीं है, कोई भी काम मैं कर सकता हूँ, आई एम पॉसिबल, वहां से देखता है वो। आप और वो एक रूप हो गए, एक हो गए और अभी नया महेश तैयार हुआ है, नया महेश, ट्रांसफॉर्म महेश, जिसके आसपास भी निगेटिव थॉट्स नहीं आते। हरदम वो एनीथिंग इज पॉसिबल वहां से सोचता है, हरदम वो सोचता है कि नहीं मुझे ये संभव है, मैं ये कर सकता हूं, और हरदम ही सकारात्मक सोच करने वाला इंसान है। वेरी गुड, वंडरफुल। आपने अपने आप को देखना है, क्या सोच रहे हैं वो भी सोचना है, क्या सुन रहे हैं वो भी सुनना है। बहुत अच्छा। अभी मैं एक दो तीन ऐसा बोलूंगा तो नया महेश, अभी जो ट्रांसफॉर्म महेश है और वो नया ट्रांसफॉर्मेशन और उसको उपलब्ध होगा और नया महेश होगा, जिसको बहुत ताकत है, शक्तिशाली है, एनर्जेटिक है, नकारात्मक सोच तो है ही नहीं, जहां वहां पॉजिटिव सोचने वाला इंसान बना हुआ है वो और बनेगा अच्छा। एक, दो और तीन बन गया,
और अच्छा और सकारात्मक और एंथुजियास्टिक, वेरी गुड, वंडरफुल, उसको फील करो। वो क्या लोगों को बोलता है वो सुनो, उसने कौन सा ड्रेस पहना है वो देखो, कौन से लोगों के साथ में बर्ताव कर रहा है वो देखो, बहुत ही अच्छा। अभी मैं 3 2 1 करके उल्टी गिनती करूंगा, जैसी जैसी गिनती कम कम होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी सम्मोहन अवस्था से आपको जाग आ जाएंगे, और जाग आने के बाद में आपको बहुत ही फ्रेश लगेगा, उत्साहित लगेगा। 3 बोलते आप खुश हो जाएंगे, अभी 2 1 उठो, जाग जाओ, आंखें खोलो, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये जो है प्रक्रिया पूरी हमने अभी देखी, ये पॉजिटिव थिंकिंग कैसे बढ़ाना और निगेटिव थिंकिंग कैसे कम करना उसके बारे में थी। बार 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 सबकॉन्शियस माइंड को आप जब प्रोग्रामिंग करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग का, तो वो पॉजिटिव थिंकिंग उसमें आ जाएगी, सकारात्मक सोच आ जाएगी। हमको हमारे देश में जो निराशता है, हताशता है, लोग रिजाइंड है, सिनिकल है, नकारात्मक सोचे, कंडीशन ऑफ लाइफ है। कुछ भी काम करते बोलते ये जमेगा नहीं, ये होगा नहीं, ये संभव नहीं। वहाँ से हमको लोगों की पॉजिटिव थिंकिंग करवाने की, सकारात्मक सोच करवाने की। आपके संपर्क में काफ़ी लोग होंगे जो ऐसे निगेटिव बातें हरदम करते होंगे, या थोड़ी सी करते होंगे, 25% करते होंगे, 50% करते होंगे। सबको ये वीडियो सर्कुलेट करो, शेयर करो, ताकि ये वीडियो का इस्तेमाल करके सब लोग सकारात्मक सोच करेंगे, और सकारात्मक सोच करेंगे तो उनके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, पूरा जीवन उनका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो ये जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मेरा उद्देश्य है कि हमारा देश पावरफुल बनेगा, एक मनोरुग्ण मुक्त और नशा मुक्त, मतलब नशा मुक्ति करना है और मनोरुग्ण मुक्त भारत को करना है, जिसमें एक भी व्यक्ति कोई बीमारी से बिना इलाज कर रहेगा नहीं बीमारी की वजह से, और जो नॉर्मल इंसान है वो पावरफुली अपना जीवन जी सकेंगे। तो ज़रूर शेयर करो, लाइक करो, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकॉन आता है उसके ऊपर हिट करो, तो आपको बार बार नोटिफिकेशन आते जाएंगे। क्योंकि इसके बाद में भी मैं बहुत सारे वीडियोज़ डालने वाला हूँ अलग अलग विषयों के ऊपर, काफ़ी सारी मेरी वीडियोज़ अभी भी है मौजूद यूट्यूब के ऊपर, तो आप ज़रूर शेयर करो वो भी, और आप बेल आइकॉन हिट करते हैं तो आपको बार बार इसके बारे में पता चलेगा कि मैंने कौन सी वीडियो डाली हुई है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।